फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स आज ना स्टीम योगर्ट बनाएंगे। स्टीम योगर्ट की रेसिपी ऐसे तो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है, बट आज जो हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी स्टीम योगर्ट। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, हेल्दी भी है और न्यू भी है। ये देखिए, एक बड़ी कटोरी भर कर मैंने इस तरह से जो दही है उसको 2-3 घंटे रखा ताकि उसका पानी पूरा निकल जाए और ये हमें हंग कर्ड मिल जाए। बिल्कुल पानी निकला हुआ दही चाहिए हमें। और ये कुछ स्ट्रॉबेरीज रखी हैं मैंने, और चाहिए होगा हमें कंडेंस मिल्क। बस इन 3 चीजों से ही हम ये पुडिंग बनाएंगे। 5-7 स्ट्रॉबेरीज को छोटा छोटा कट करके हम क्रश कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने इसको पेस्ट नहीं किया, हल्के हल्के से पीसेस रखे हैं क्योंकि मुंह में आते हुए स्ट्रॉबेरी के पीसेस बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अगर आपको इसका पेस्ट बनाना है तो आप इसको और ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, जो हंग कर्ड बनाया था उसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया और थोड़ा सा इसको विस्क कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क मैंने एक बिल्कुल छोटी कटोरी डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको कितना मीठा खाना है थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर वे बिल्कुल नॉर्मल खाना है तो इतना सफिशिएंट है। अच्छे से इसको स्मूथ कर लेंगे दोनों चीजों को। ये देखिए, दोनों चीजों को बिल्कुल स्मूथ कर लिया मैंने। इस टाइम पर आप थोड़ा सा खाकर चेक कर सकते हैं, अगर आपको शुगर और चाहिए तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और डाल लीजिए। अभी जो हमने क्रश करी थी स्ट्रॉबेरीज वो ऐड कर देंगे। अब ये जो हमने क्रश रखा था करके इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड हैं, मैं इसमें डाल दूंगी ये। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप इनको जस्ट कटोरी में डालकर भी इसको स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए, इनमें डालकर ये हल्का सा हम इस तरह से फॉइल पेपर लगा देंगे ताकि स्टीम इनके अंदर ना जाए। अब इनको हम स्टीम करेंगे। ये स्टीमर में मैंने पानी रखा हुआ था, ये स्टीम अच्छे से आनी शुरू हो गई इसमें। अब इनको हम बहुत केयरफुली इसमें रख देंगे। देखिए, तीनों मोल्ड मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए। अब ये मेरे पास एक कॉटन का कपड़ा है, इसको इस तरह से रख देंगे ताकि स्टीम कहीं से भी इसके ऊपर ना लगे। ये सोक कर लेगा पूरी स्टीम को। इसको 10-15 मिनट इसी तरह से फ्लेम को स्लो करके स्टीम होने देंगे। 15 मिनट यानी 15 मिनट हो गए हैं स्टीम होते हुए। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं और हल्के हल्के ठंडे भी हो गए हैं। इनको हम मिनिमम 1 घंटे के लिए फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखा मैंने, ये अच्छे से सेट हो चुका होगा। अब हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये सिलिकॉन मोल्ड हैं जिसमें मैंने इसको बनाया है, तो ये बहुत ही आराम से इसमें से निकल आएगा। ये देखिए, सबको निकाल लेंगे। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज डेकोरेट कर देंगे थोड़ी सी। अच्छा क्रंच देने के लिए थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही यमी डेजर्ट बनता है बिना क्रीम के। जरूर से ट्राई कीजिए आप इस
पुडिंग की रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये न्यू सी डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी इजी सी और न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।